नमस्कार, आप जोई रहा छो सीएनसीसी गुजरात। नर्मदाना एकता नगर खाते आज भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक दिवसीय उद्योग 4.0 कॉन्फरन्स योजाई। आ कॉन्फरन्स ने दीप प्रागट्य करी केन्द्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे खुल्ली मूकी थी। आ कॉन्फरन्स में मंत्री कृष्णपाल गज्जर सहित उद्योग साथ संकड़ायेला उद्योगपतिओनी उपस्थिति थी। साथ गुजरात मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल गांधीनगर थी वर्च्युअली जोड़ाया था। आ कॉन्फरन्स हेतु भारत में चौथी औद्योगिक क्रांति लावानो छे अने ते माटे प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा थी समग्र भारत में डिजिटल क्रांति साथ भारत ने सज्ज करवामां आवी रह्यो छे। खास करीने वधता जता प्रदूषण थी भारत में दरेक राज्यों में फेम वन और फेम टू द्वारा ई व्हीकल में सबसिडी आपी प्रोत्साहित कराय छे। फेम वन पूर्ण थयुं छे, हवे फेम टू में टू व्हीलर नी साथे साथे थ्री अने फोर व्हीलर अने कॉमर्शियल बसों ने पण सबसिडी आपवामां आवी छे। आज गुजरात अने कर्नाटक में 275 जेटली ई बसों लोकार्पण करायुं, जेमां गुजरात में 75 बसों लोकार्पण करायुं छे। भारत में अत्यार सुधी 3800 थी वधु ई बसों दौड़ी रही छे अने आगामी समय में 7000 थी वधु ई बसों लक्ष्यांक छे। आ बसों ने चार्जिंग करवा देशना 22000 पेट्रोल पंप ऊपर चार्जिंग स्टेशन लगावामां आवशे। प्रधानमंत्री मोदीनो विजन छे के 2030 सुधी में 45% कार्बन उत्सर्जन ओछू करी शकीए अने ते माटे बेटरी उत्पादन ने पण वधारवामां आवी रह्युं छे। आज फेम टू के अंतर्गत जो दृष्टिकोण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया कि हम सभी शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे और इसके लिए फेम वन फेम टू दो स्कीमें ला, फेम वन पूरा हुआ जिसमें हम टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स तथा कमर्शियल फोर व्हीलर्स और वाणिज्यिक बसों को सबको हम सब्सिडी देते हैं और उस सब्सिडी से हम प्रोत्साहन देते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ई व्हीकल्स का इस्तेमाल करें और उस दिशा में देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है और लगभग 3800 से अधिक बसें आज ऑन प्लेटफॉर्म चल रही हैं रोड पर और आगामी कालखंड में लगभग 7000 से अधिक बसें भारत के विभिन्न शहरों में आ जाएंगी। इसी तरह से यंगस्टर्स टू व्हीलर्स में बहुत तेज़ी से आगे आ रहे हैं और जो थ्री व्हीलर्स में भी ये ई थ्री व्हीलर्स का भी बहुत आकर्षण है। तो इन दृष्टियों से हम लोग आज इसमें उसी क्रम में आज 175 गुजरात यहाँ केवड़िया से और 100 बेंगलुरु से आज लॉन्च हुई है। हम सबको इस मौके पर आज इंडस्ट्री 4.0 की जो कॉन्फ्रेंस है वो भी दिन भर के मंथन करके देश में आगे जो ये नई औद्योगिक क्रांति की तरफ भारत आगे दुनिया में बढ़ रहा है उस मंथन से लोगों को आगे निश्चित तौर से मार्गदर्शक राहें मिलेंगी। एक नई पहल हमारे मंत्रालय ने की है जिसमें हम और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री मिल के काम कर रहे हैं, पावर मिनिस्ट्री का भी सपोर्ट है कि देश के ऐसे 22000 पेट्रोल पंप चिन्हित किए गए हैं जिनके पास स्पेस है, जहां फूड कोर्ट बन सकता है, जहां डीजल पेट्रोल के ईंधन भरने के बगल में चार्जिंग का भी बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है और लोग वहाँ अपना चाय और नाश्ता लेते लेते अपनी गाड़ियों को चार्ज करते आगे बढ़ जाएं। ऐसे 22000 पेट्रोल पंप चिन्हित किए गए हैं। मोदी जी की दृष्टि है कि कैसे हम आगामी 2030 तक 45% हम कार्बन उत्सर्जन कम कर सकें और 2070 तक भारत इतना सामर्थ्य रहे कि जीरो कार्बन रजिस्ट्रेशन पर ये भारत दुनिया में आ गए। उस दिशा में ये फेम वन फेम टू एक महत्वपूर्ण सहयोगी पहल है। भारत ने इस दृष्टि को इस चीज़ को पहचाना है और बैटरी उत्पादन के क्षेत्र में हमने आपने PLI सुना होगा 13 प्रकार की, उसमें ऑटो फील्ड की एक PLI 18100 करोड़ के सपोर्ट के साथ हम लोग आए 50 GW उत्पादन भारत में हो।